अलीगढ़ अलीगढ़ में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा होने वाली है, और उससे पहले का जो जायज़ा है वो हम आपको दिखाएंगे किस तरह की यहाँ पर तैयारियाँ की जाती हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा तो इधर का जायज़ा दिखाएंगे कि कितने बड़ा पांडाल है, और इसमें सभी लोगों के लिए बैठने के लिए सुविधाएँ की गई हैं। और इधर देखेंगे तो यहाँ पर अभी पुलिस की ब्रीफिंग चल रही है, पुलिस वालों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से लोगों को ट्रीट करना है, किस तरीके से लोगों की भीड़ आएगी तो उसको कैसे नियंत्रण करना है। तो यहाँ पर सभी अधिकारियां बैठे हुए हैं, उनको ब्रीफ देने में लगे हुए हैं, और पांडाल के अंदर जो खामियां हैं उनको भी बताने लग रहे हैं और उन खामियों को दुरुस्त करने का काम करेंगे। और अगर मैं बात करूंगा तो इधर देखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया है, यहां पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, और यहां पर महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी वो उसके लिए ये पूरा यहाँ पर उद्घाटन होगा, और यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर का भी यहाँ पर शिलान्यास होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले उसकी नींव रखेंगे और उसकी तैयारियों के लिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह का क्या इतिहास है, और उसके बाद उनको किस तरीके से जो इतिहास के इतिहासकारों ने विलुप्त कर दिया जो महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा AMU यूनिवर्सिटी है, तो AMU यूनिवर्सिटी को जो महाराजा ने अपनी ज़मीन को दान दे करके उस यूनिवर्सिटी को बनवाया था, और जैसा कि इतिहास में भी दर्ज है कि 250 रुपये दे करके वहाँ का जो हॉस्टल है वो भी वहाँ पर उन्होंने बनवाया था। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा तो यहाँ की चीज़ें दिखाएंगे कि कितने सुबह कितनी अच्छी से व्यवस्थाएँ की गई हैं, बैरिकेटिंग लगाई गई है, यहाँ पर हर गेट के पास आपको पुलिस बल तैनात मिलेगा और उसके द्वारा यहाँ पर जो भीड़ होगी उसको नियंत्रित किया जाएगा। और इस तैयारी को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों को आने की संभावना है, और जिस तरीके की तैयारियाँ यहाँ देखने को मिल रही हैं तो 3 लाख से ऊपर की लोग यहाँ पर बैठने की व्यवस्थाएँ होंगे। जिस तरीके से देख रहे हैं कि अगर थोड़ा सा पांडाल से दूर चले जाते हैं तो यहाँ पर LCD स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी जी उनका संबोधन सुनने को मिलेगा। ये यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएँ, यहाँ पर कालीन भी बिछाई गई है और यहाँ पर चेयर्स भी लगाई गई हैं, उन पर आप आएंगे और बैठेंगे। और हो सकता है कि एक ये सेंटर बनाया गया है तो इसमें 200 से 250 चेयर्स डाली गई हैं, उसमें बैठने की व्यवस्थाएं हैं, पानी पीने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी। जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि जो व्यवस्थाएँ हैं वो इतनी खूबसूरत हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो व्यवस्थाएँ की जाती हैं वो एक हफ्ते पहले से ये चालू हो जाती हैं। जैसा कि अब देखो मंच यहाँ से सामने दिख रहा है, गणेश जी की प्रतिमा को प्ले किया जा रहा है स्क्रीन पर, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पांडाल का एक रूप कितना अच्छा है, और अगर बारिश भी आएगी तो इस पांडाल के अंदर एक बूंद भी नीचे नहीं आएगी, और जो भी मोदी जी को सुनने के लिए लोग आएंगे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आएंगे, मोदी जी का भाषण सुनेंगे और जो शिलान्यास होना है उसको भी देखेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर की शिलान्यास होगा, और उसके पहले हो सकता है कि उसके राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जो यूनिवर्सिटी है उसके नाम से जो बनाई जा रही है उसका भी यहाँ पर शिलान्यास होगा। और ये बहुत बड़ा विशाल एक एरिया है जो योगी सरकार ने इस यूनिवर्सिटी के नाम पर दिया है, और जो यूनिवर्सिटी है जो इसको ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी के रूप में बनाया जाएगा। जैसा कि माना जा रहा है कि 2023 तक ये यूनिवर्सिटी बन करके तैयार हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है कि एडमिशन्स भी ओपन हो जाएंगे, उसकी तैयारियाँ बहुत जल्दी से शुरू हो जाएंगी, और इनका जो टारगेट है 2023 तक यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी हो जाए और उसके बाद उस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ कार्य चालू हो जाए। तो ऐसा लक्ष्य लेकर के योगी सरकार चल रही है, और ये एक इतनी बड़ी लकीर होगी कि जो आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो लकीर है वो खींची जाएगी, तो वो एक
एएमयू के सामने एक महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो एक सपना है, जो एक चीज़ है, जो यहाँ के अलीगढ़ के लोगों ने करीब 20-22 साल से जो आंदोलन करते रहे और उसके नाम से यूनिवर्सिटी की मांग करते रहे, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने उस मांग को सुना और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास का मौका भी अब हमारे सामने करीब आ चुका है। तो ऐसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है, अभी व्यवस्थाएँ चल रही हैं, चेयरें बिछाई जा रही हैं, जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो रह गई हैं उनको भी आज रात में कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि छोटी मोटी जो सभाएं होती हैं उससे कहीं ज़्यादा तो आज भी यहाँ पर देखेंगे तो कार्यकर्ताएँ और यहाँ की फोर्स है, इतनी भीड़ अभी से यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जैसे कि आप मान के चलो छोटी मोटी कोई भीड़ होगी तो उसमें यहाँ पर इतनी बड़ी गैदरिंग तो अभी सामने नज़र आ रही है। तो जब उसके बाद जब प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा विशाल यहाँ पर जनसमूह इकट्ठा होगा और आप देख सकते हैं कि हम मंच से करीब काफ़ी दूर आ गए हैं और यहाँ से देखने को मिल रहा है तो मंच कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, और उसके बाद जब यहाँ पर पब्लिक आएगी और नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर बैठेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना वो सुखद पल होगा और अलीगढ़ के लिए कितनी बड़ी सौगात होगी कि जो प्रधानमंत्री के कर कमलों से और योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से जो यहाँ की यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल भी होगा और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे अलीगढ़ के आसपास के लोग, और जिसमें सबसे बड़ा काम होगा कि अलीगढ़ को इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी मिलेगी और यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, जैसा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह की का एक सपना भी था कि वो सबसे पहले उन्होंने वृंदावन में 1909 में एक स्कूल खोला था जो हाईटेक कह सकते हैं उस समय का, तो उस समय उन्होंने वहाँ खोला, उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम पर अपने एक ज़मीन दान दी। तो इतने बड़े दानवीर भी महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह रहे हैं और उनके जो वारिस हैं, चरत हैं, उनसे भी हमारी चर्चाएं होती रहती हैं, तो वो भी इतने ही बड़े दिल के उन सपुत्र हैं, मतलब पौत्र हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो राजा और महाराजा रहे हैं वो बड़े दिल वाले माने जाते हैं, तो इसी तरह की व्यवस्थाएँ रहती हैं। और यहाँ पर आज ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा तो इधर दिखाएंगे कि हेलीपैड इधर है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ आप देख सकते हैं उधर चल रही हैं, उधर फायर स्टेशन की गाड़ी भी खड़ी हुई है। तो ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पर कार्य हो रहा है और यहाँ पर जो पुलिस बल है वो भी पूरा मुस्तैदी से तैनात रहेगा। तो यहाँ पर इधर दिखाएंगे तो इधर की तैयारियाँ अभी तक चल ही रही हैं, तो जो चीज़ें हैं जो बाकी रह गई हैं वो रात में कम्प्लीट कर ली जाएंगी। इधर JCB भी अभी काम कर रही है। तो ये देखिए कि ये सामने रोड है, सामने के रोड पर जो फ्लैग्स लगे हुए हैं उन पर नरेंद्र मोदी जी के आगमन की बधाइयां और स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है, और यहां पर अपना अपना काम कर्मचारी काम कर रहे हैं। दिखाएंगे कि हम कैमरामैन से कि जो अभी भी ये खुदाई का काम चल ही रहा है और यहां पर ये खुदाई का जो काम चल रहा है, यहां पर हर आदमी के स्कैन करते हुए उनको अंदर भेजा जाएगा। मैं इधर दिखाऊंगा तो कि ये देखिए ये स्कैन मशीन है जो अभी लग रही है, तो इसके द्वारा सभी जो लोग आएंगे उनको अंदर घुसाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इधर देखिए कितनी तादाद में पब्लिक अभी काम करने में लगी है, लेबर काम करने में लगी है। जैसा कि पानी भरा हुआ था उस पे बालू डाल करके उसको ठीक किया जा रहा है कि किसी भी कार्यकर्ता को कोई प्रॉब्लम ना हो। उधर लोहे की सीट डाली जा रही है जिससे कि पैर ज़मीन में ना धंसे, तो इस तरह की यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। तो बाकी की चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।